9 मिनट न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। मोदी सरकार ने लगाई तोहफों की झड़ी, किसान से लेकर व्यापारी तक को दिया रिटर्न गिफ्ट। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए इस कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बड़ा फैसला लेते हुए पीएम मोदी ने नेशनल डिफेंस फंड के तहत पीएम स्कॉलरशिप योजना में बड़ा बदलाव करते हुए आतंकवादी और माओवादी हमले में मारे गए शहीद और जवानों के बच्चे को छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। इसके अलावा अब 3 करोड़ और किसानों को हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे, यानी अब इस योजना का लाभ देश के करीब 15 करोड़ किसानों को मिलेगा। पहले इसके दायरे में सिर्फ 12 करोड़ किसान ही थे। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को साल में 3 बार कुल 6,000 रुपए सीधे खाते में मिलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार पेंशन फंड में किसान द्वारा योगदान के बराबर राशि का योगदान करेगी। इसके अंतर्गत करीब 12 से 13 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। सरकार पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे। उन्हें 60 वर्ष पूरा करने के पश्चात 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई तो उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी। इस योजना पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय बजट 5 जुलाई को पेश किया जाएगा। 17 और 18 जून को होगा सांसदों शपथ ग्रहण। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने नियंत्रण और पैर की बीमारी और बुक्सोसिस के लिए एक विशेष योजना को मंजूरी दी है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।